नमस्कार, मैं मानसी राठौर। डीजन हलचल में आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले देखते हैं नगर की प्रमुख हलचल। कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर के साथ हुई विभत्स घटना के विरोध में जारी है देश प्रदेश के साथ रतलाम शहर में भी विरोध प्रदर्शन का दौर। देर शाम इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने मशाल रैली निकालकर किया प्रदर्शन, तो सुबह होम्योपैथिक डॉक्टर एसोसिएशन ने मौन रख प्रदर्शन करते हुए दी श्रद्धांजलि। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ अभ्यास कोचिंग इंस्टीट्यूट के छात्र छात्राओं ने किया कोलकाता में हुई डॉक्टर के साथ घटना के विरोध में प्रदर्शन। आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग करते हुए राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। और सावन माह में जारी है धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन, कहीं हुआ पौधारोपण तो कहीं हुई भजन संध्या। रतलाम होम्योपैथिक एसोसिएशन द्वारा शहीद चौक पर कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में ड्यूटी कर रही महिला चिकित्सक के साथ हुए घिनौना कृत्य कर उसे मार डालने वाली घटना के विरोध में मौन प्रदर्शन कर महिला चिकित्सक को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सभा को एसोसिएशन के सचिव डॉक्टर अक्षय उपाध्याय ने संबोधित कर बताया कि इस अपराध का हम सभी चिकित्सक पूर्ण रूप से विरोध करते हैं, साथ ही प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि अपराधियों को फांसी की सजा दी जाए। सभा में अध्यक्ष डॉक्टर मंगलेश धाकड़, उपाध्यक्ष डॉक्टर गौरव बोरीवल, कोषाध्यक्ष डॉक्टर अनिल चौहान अव अन्य वरिष्ठ चिकित्सक मौजूद रहे। होम्योपैथिक संगठन की तरफ से आज हम सभी जीआर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में जो महिला चिकित्सक के साथ में कृतकृत्य हुआ है उसके लिए, उसको श्रद्धांजलि देने के लिए, मौनपूर्वक श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा हुए हैं। हम अनुरोध करते हैं कि जो भी अपराधी है उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो कड़ी से कड़ी सज़ा मिल सके, मौत की सज़ा मिल सके, उसका लिए आगे बढ़ें। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर के साथ हुई विभत्स घटना के बाद देश भर में प्रदर्शनों का दौर जारी है, जहां मेडिकल कॉलेज जिला अस्पताल में डॉक्टर विरोध प्रदर्शन करते हुए अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद व अभ्यास कोचिंग इंस्टीट्यूट के छात्र छात्राओं द्वारा कोलकाता में जूनियर डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म एवं हत्या के विरोध में स्थानीय 2 बत्ती चौराहे पर चक्का जाम करने के साथ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी व पश्चिम बंगाल सरकार का पुतला दहन किया गया। छात्रों द्वारा किए गए प्रदर्शन में पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने के साथ ममता सरकार को आड़े हाथों लेते हुए जमकर छात्राओं ने कोसा पश्चिम बंगाल सरकार मुर्दाबाद, ममता बनर्जी मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में हुए जूनियर डॉक्टर के साथ बलात्कार एवं उसकी हत्या करने के विरोध में जमकर नारेबाजी करने के साथ प्रदर्शन किया गया व राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन राजस्व अधिकारी को सौंपा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिला संयोजक सत्यम दवे ने जानकारी देते हुए बताया, टीएमसी के गुंडों द्वारा भी ऐसे कृत्य कई सामने आ रहे हैं, इस पर ममता सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद रतलाम इस इन्होंने हरकत की निंदा करता है और दोषियों पर कठोरतम कार्रवाई की मांग करता है, दोषियों को फांसी देने की मांग करता है। हमने अभी राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन सौंपा है। अभ्यास कोचिंग इंस्टीट्यूट के संचालक ने जानकारी देते हुए बताया है, उसमें जो बंगाल में एक मेडिकल स्टूडेंट था जो रेप कांड हुआ था और उसके बाद उसकी निर्दम हत्या कर दी गई, उसके ऊपर हमने उसके धरना प्रदर्शन किया है और विरोध किया है, साथ में उसको हमने श्रद्धांजलि दी है। कलकत्ता की डॉक्टर मौमिता देवनाथ की जघन्य हत्या के विरोध में रतलाम IMA, जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन, नर्सिंग होम संघ, टेक्निकल सेवा सिविल हॉस्पिटल MR यूनियन के संयुक्त तत्वाधान में एक मशाल रैली का आयोजन किया गया। रैली जिला चिकित्सालय से अंबेडकर सर्कल तक आयोजित की गई। रास्ते भर नारे लगाते डॉक्टर, शौक नहीं मजबूरी है, ये प्रदर्शन जरूरी है,
डॉक्टर के हत्यारों को फांसी दो के नारे लगाते हुए सदस्य गण चल रहे थे। मशाल रैली अंत में एक सभा में परिवर्तित हुई, जिसे वरिष्ठा डॉक्टर जे एम सुभेदार, डॉक्टर बी एल तापड़िया, डॉक्टर भरत निनामा, डॉक्टर कमलेश यादव एवं फोक्सी की डॉक्टर सुनीता वाधवानी ने संबोधित करते हुए कहा कि ऐसी घटनाएं मानव जाति को शर्मसार करती है एवं वहां की सरकार का रवैया चिंतनीय है। डॉक्टर स्मिता शर्मा ने कहा कि कार्यस्थल पर महिला चिकित्सक की अनुकूल स्थिति नहीं मिलती है। आज़ादी के 70 साल भी सरकारी अस्पताल में उचित संसाधन की कमी है, न सुरक्षा है। सभा को डॉक्टर विपिन माहेश्वरी, एमआर यूनियन के निखिल मिश्र, जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के दीपक कुमार ने संबोधित किया। इस अवसर पर आईएमए अध्यक्ष डॉक्टर योगेंद्र सिंह चाहर ने कहा कि कार्यस्थल पर महिला चिकित्सक को उचित संसाधन एवं सुरक्षा प्रदान करना चाहिए। कार्यक्रम का संचालन अश्विनी शर्मा ने एवं आभार वशिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर कृपाल सिंह राठौर ने व्यक्त किया। हमारे साथी डॉक्टर का जिस तरीके से निर्मम हत्या और बलात्कार का जो कांड हुआ है, उसमें सरकारें चाहे वो कोई सी भी हो, हर सरकार का यही रवैया रहता है, वो किसी भी प्रदेश में हो, हर जगह अपन आए दिन देखते रहते हैं, चाहे वो नर्स के साथ हो, चाहे लेडी डॉक्टर के साथ हो, चाहे मेल डॉक्टर के साथ हो, हर तरीके से हमारे साथ अत्याचार होता रहा है। और हमारी जो मांग है सेंट्रल मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट की, वो आवाज बुलंद करी है हम लोगों ने आज जिस तरीके से, ऐसी आवाज हर शहर से, हर राज्य से, हर जिले से हो रही है। और इस आवाज को इतना बुलंद करें कि आगे इतना कड़ा कानून बने कि हमारे किसी भी मेडिकल साथी के साथ कोई भी अत्याचार, कोई भी किसी तरह की घटना घटित करने के पहले 10 बार सोचे। अब बारी है एक छोटे से ब्रेक की। कैंसर क्यों होता है, क्या हम इसे रोक सकते हैं? भारत में महिलाओं में होने वाला सर्वाधिक कैंसर कौन सा है? कैंसर होने का शक हो तो किन से जांच करवाना चाहिए? स्तन में कैंसर के बारे में जल्द से जल्द पता करने के लिए क्या कोई उपाय है? स्तन में कैंसर के क्या लक्षण हैं और किसको कैंसर होने का खतरा ज्यादा होता है? मेमोग्राफी की मशीन द्वारा क्या स्तन के कैंसर का स्टेज एक में ही पता चलता है? ऐसे ही सवालों के जवाब एवं स्तन संबंधी ऐसी किसी भी समस्या के लिए मिले स्तन रोग विशेषज्ञ सर्जन से डॉक्टर स्मिता शर्मा, स्तन रोग क्लिनिक, श्रद्धा हॉस्पिटल, काटजू नगर, रतलाम। संपर्क करें 8962647737, 920104182। एडवांस डेंटल क्लिनिक एंड एम्प्लांट सेंटर, जहां पर उपलब्ध सुविधाएं सड़े हुए दांतों ताड़ों को बिना दर्द के निकालना, रूट कैनाल ट्रीटमेंट इंपोर्ट कर नए दांत लगाना, बिना दर्द के दांतों की सफाई, पायरिया संबंधी इलाज, दांतों में पक्का मसाला भरना, इम्प्लांट कर फिक्स पत्ती सी लगाना, सभी प्रकार के फिक्स्ड दांत व फोल्डिंग दांत बनाए जाते हैं। चांदी और सोने जैसे दिखने वाले दांतों को सही कर पुनः निर्मित करना, जबड़े के अंदर के दांतों का इलाज, तंबाकू की वजह से मुंह ना खुलने वाली बीमारी का इलाज, दांतों को सफेद करना, अक्कल दाढ़ का बिना निकाले इलाज, टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज ब्रेसेस द्वारा किया जाता है। दांतों से संबंधित सभी प्रकार के फोटो व एक्सरे किए जाते हैं। दांतों की समस्याओं से निजात पाने के लिए आज ही संपर्क करें डॉक्टर पूनम मिश्रा। क्लिनिक संचालन आशुतोष चौहान, पता एडवांस्ड डेंटल क्लिनिक एंड इम्प्लांट सेंटर, शास्त्री नगर, साकेत अपार्टमेंट, सब्जी मंडी के पीछे वाले गेट के सामने, रतलाम। फोन 400877। मानव जीवन में पेड़ों का कितना महत्व है, कोरोना काल में इसे हर कोई समझ चुका है। पर्यावरण संरक्षण करने के साथ ही स्वस्थ पर्यावरण के उद्देश्य से प्रदेश शासन द्वारा वृद्ध स्तर पर पौधारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। वहीं प्रदेश शासन के निर्देश पर स्थायी नगर निगम द्वारा भी शहर में विभिन्न जगहों पर सामाजिक संस्थाओं एवं जन प्रतिनिधियों के माध्यम से 500,000 पौधे रोपित करने का लक्ष्य नगर निगम ने रखा है, जिसके अंतर्गत कस्तूरबा नगर क्षेत्र स्थित टेलीफोन नगर उद्यान में
श्री अनंत नारायण नगर समिति अध्यक्ष एडवोकेट चेतन केलवा के नेतृत्व में 21 पौधों को रोपित किया गया। इस अवसर पर समाज के वरिष्ठ सत्यनारायण डोडिया, ओम टांग, अशोक देवड़ा, गोपाल परमार, पूर्व पार्षद राजा परमार, पंकज परमार मावावाला, दिलीप देवड़ा, महेश कछावा, मांगीलाल डावी, रवि भाटी, ओम देवड़ा, सुंदर लाल गौड़, जितेंद्र ओडीवाला, शांतिलाल जी परिहार, बालकृष्ण, गोपाल चौहान, सतीश भाटी आदि मौजूद रहे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। पवित्रा एकादशी का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। इसे श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। इसे पुत्रदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को रखने से संतान प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण होती है। इसके अलावा यह व्रत सभी प्रकार के पापों से मुक्ति दिलाता है और मोक्ष की प्राप्ति में सहायक होता है। पवित्रा एकादशी व्रत का पालन करने से व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। इस दिन व्रती को व्रत के नियमों का पालन करते हुए पूरे दिन उपवास रखना चाहिए और रात को जागरण करना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा और कथा सुनने से इस व्रत का विशेष फल प्राप्त होता है। मित्र निवास रोड स्थित गीता मंदिर पर भजन संध्या का आयोजन हुआ, जिसमें भजन गायक पंडित गोपाल कृष्ण शर्मा ने अपने सुमधुर कंठ से भजनों की प्रस्तुति दी। इस अवसर पर मधु रत्नावत, सीमा खंडेलवाल, रेणु व्यास, पीके पुरोहित, सुनीता मिश्रा, प्रतिभा ठक्कर, हितेश शर्मा, संजय व्यास, सुभाष उपाध्याय एवं समिति सदस्य उपाध्यक्ष वीरेंद्र वाफगांवकर, सचिव संजय व्यास, कोषाध्यक्ष दीपक पुरोहित तथा भक्त जन बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। मालवमणि पूज्य साध्वी जी श्री स्वयं प्रभाश्री जी महाराज साहब की सुशिष्य रतलाम कुल दीपिका शासन ज्योति साध्वी जी श्री अनंत गुणाश्री जी महाराज साहब, श्री अक्षय गुणाश्री जी महाराज साहब, श्री समकित गुणाश्री जी महाराज साहब, श्री भावित गुणाश्री जी महाराज साहब उपासना में विराजे हैं, जिनका चातुर्मास में नित्य प्रवचन चल रहे हैं। इसी तारतम्य में परम पूज्य साध्वी श्री अनंत गुणाश्री जी ने अपने दिव्य प्रवचन में कहा कि दो पर्व धूमधाम से मनाते हैं, एक राखी का और दूसरा दिवाली का। मुनि सुवर्त स्वामी जी से यह शुरू हुआ। ज्ञानी जन कहते हैं कि बेर की परंपरा खत्म नहीं करते हो तो बेर की परंपरा चलती रहती है। भगवान पार्श्वनाथ की 10 भव तक परंपरा चली थी। बेर के बीज जरा सा होता है, वह आगे वटवृक्ष बन जाता है। एक कटु शब्द आप याद रखते हो और जब तक आप उससे बदला नहीं ले लेते तब तक आपके मन को शांति नहीं मिलती, यह गलत है। किसी ने आपको कटु शब्द कह दिया तो आप जिंदगी भर याद रखते हो, उसको कभी भूलने की कोशिश नहीं करते। किसी भी तरह देर से ही सही ईंट का जवाब पत्थर से देते हो। गुरु भगवंत की मुख से निंदा नहीं करना चाहिए, इससे भी कर्म बंधन होता है। जहाँ तक बने साधु संतों की गृहस्थ को भी निंदा नहीं करनी चाहिए। रक्षाबंधन का दूसरा नाम राखी दे दिया। यह भाई बहन के प्रेम का बंधन का त्योहार है। इस रक्षाबंधन में 9 ग्रहों का समावेश है। भाई को सबसे पहले कंकु से तिलक निकलते हैं तो यह सूर्य का प्रतीक है। मेरे भाई का मस्तक सबसे ऊंचा है, भावना आना चाहिए उसे कि सब जगह मान सम्मान मिले। कंकु के बाद चावल लगते हैं, वह शुक्र का प्रतीक होता है, जिससे मेरे भाई के घर में समृद्धि बनी रहे, यह भावना होना चाहिए। अरे उस बेन को भी दर्द होता है कि इनकी बेटी को इतना देते और मुझे तो इतना कम में निपटा देते हैं। चलो कोई बात नहीं, हमारे माँ बाप चले गए तो। अरे उस वक्त तो उनको माँ बाप की याद नहीं आना चाहिए कि नहीं मैं भाई बेटा हूँ और भाई बरोबर मैं दूंगा। और आज के दिन आप नियम ले लेना कि बहन को और बेटी को एक जैसा देना कभी। बाद में आप कितना भी दो लो उससे कोई मतलब नहीं है, पर राखी के दिन दोगे
और जब बेन प्रसन्न होके जाती है, खुश होकर के जाती है, खुशहाली आती है, बेन और बेटी को घर में कभी रुला करके मत भेजना। आपके ना नहीं है, पर ये भाभी लोगों हर वक्त टोंट कस देती है, कुछ बोल देती हैं, और वो रोते हुए अपने घर पे जाती हैं, तो आपका बुध ग्रह कमजोर होता है और आपको तकलीफ पड़ती है। मैं कहती हूँ बेन को बोले एक रुपया दो, पर आपको इसको दुखी होकर के घर से नहीं भेजना चाहिए, रुपये भी नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि अपना टाइम हो रहा। पर एक छोटी सी कथा कह के मैं आपको यह पूर्ण करती हूँ। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य काश्यप को प्रदेश की राजधानी भोपाल एवं राजगढ़ जिले का प्रभार मिलने से रतलाम में भाजपा नेताओं एवं कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। राजगढ़ में स्वतंत्रता दिवस समारोह के पश्चात मंत्री चैतन्य काश्यप के रतलाम आगमन पर शहर के मंडल अध्यक्ष पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय, पूर्व जिलाध्यक्ष बजरंग पुरोहित, विधानसभा संयोजक मनोहर पोरवाल, प्रदेश कार्य समिति सदस्य निमिष व्यास, जिला उपाध्यक्ष बलवंत भाटी, जिला कोषाध्यक्ष जयवंत कोठारी, जिला कार्यालय मंत्री मनोज शर्मा, सह कार्यालय मंत्री राकेश नागर, मंडल अध्यक्ष मयूर पुरोहित, कृष्णा सोनी, विनोद यादव, मंडल महामंत्री राकेश परमार मंचासीन रहे। मंत्री चैतन्य काश्यप ने कहा कि उन्हें जो दायित्व मिला है, इसका पूरा श्रेय पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं को जाता है, जिन्होंने अथक प्रयास व मेहनत की है। भोपाल प्रदेश की राजधानी होने के साथ विकासशील नगर भी है, वहां विकास की कई संभावनाएं हैं, यह चुनौती भी है, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने जो भरोसा जताया है, उसमें सफल होना है। किसी भी राजनीतिक दल के लिए महत्वपूर्ण कार्य जनता से जुड़ाव का है। मुख्यमंत्री एवं संगठन द्वारा रक्षाबंधन पर्व मनाया जा रहा है, उसका बहुत अच्छा असर पड़ रहा है। हम सक्रिय व जवाबदार कार्यकर्ता है, हम सफलतापूर्वक सभी कार्य करेंगे। राजगढ़ में भी विकास की कई संभावनाएं हैं, इसीलिए रतलाम का नाम एवं मान बढ़े, ऐसे कार्य लगातार करता रहूंगा। भाजपा जिलाध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय ने कहा कि रतलाम से कैबिनेट मंत्री चैतन्य काश्यप को प्रदेश की राजधानी भोपाल और राजगढ़ जिले का प्रभारी मंत्री बनाए जाना हर्ष का विषय है। उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एवं संगठन के प्रति आभार जताते हुए कहा कि रतलाम में किए गए कार्यों की दृष्टि से मुख्यमंत्री ने उन्हें टीम में महत्वपूर्ण स्थान दिया है। कार्यक्रम का संचालन जिला कार्यालय मंत्री मनोज शर्मा ने किया, आभार मंडल महामंत्री राकेश परमार ने माना। उक्त जानकारी जिला मीडिया प्रभारी अरुण त्रिपाठी ने दी। आज के लिए बस यहीं तक, फिर मुलाकात होगी नई सुर्खियों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर के साथ हुई विभत्स घटना के विरोध में जारी है देश प्रदेश के साथ रतलाम शहर में भी विरोध प्रदर्शन का दौर। देर शाम इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने मशाल रैली निकालकर किया प्रदर्शन, तो सुबह होम्योपैथिक डॉक्टर एसोसिएशन ने मौन रख प्रदर्शन करते हुए दी श्रद्धांजलि। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ अभ्यास कोचिंग इंस्टीट्यूट के छात्र छात्राओं ने किया कोलकाता में हुई डॉक्टर के साथ घटना के विरोध में प्रदर्शन। आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग करते हुए राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। और सावन माह में जारी है धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन, कहीं हुआ पौधारोपण तो कहीं हुई भजन संध्या।